तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मैं नाम रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों ऐसे मैं यूट्यूब टॉपिक को वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट था तो मैंने सोचा दोस्तों आप ही लोगों से जो मैंने सीखा है, मेरा कुछ अनुभव है जो आपके साथ साझा करूँ, ठीक है। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है ना कि एक महीने में कैसे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, बिल्कुल उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। पूरा शुरू से गाइडलाइन करूँगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले जो 2-3 साल पहले की अगर बात करें तो यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी रूल नहीं था, लेकिन जैसे कंपटीशन बढ़ता गया ना तो यहाँ पे रूल एक से एक नए नए आते गए। तो इसमें एक रूल है कि 4000 घंटा वाच टाइम और 1000 हमारा जो सब्सक्राइबर है इतना कंप्लीट होंगे ना तभी चैनल पे ऐड आएंगे, विज्ञापन आएंगे, तभी अर्निंग कर पाएंगे। तो हर एक यूट्यूबर की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद हम अर्निंग कर सकें। हर लोग की ख्वाहिश होती है, हमारी आपकी जो लोग भी है सबकी यही होती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इसमें लगभग साल भर, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो तरह के वर्क होते हैं, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ठीक है। तो अगर हम हार्ड वर्क करते करते थक जा रहे हैं तो कुछ स्मार्ट वर्क का भी यूज करना चाहिए ताकि उसके हेल्प से हमारा कुछ बेनिफिट हो पाए, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि पूरा पूरा आपके एक महीने में सब्सक्राइबर आ जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ लोगों को मैंने गाइडलाइन दिया है तो उसका कुछ रिजल्ट मिला है, वही सब आपके साथ साझा करना चाहूँगा, अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा। तो आइए यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे कैसे, क्या पूरा जीरो से आई बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले कि जैसे आपको पता होगा कि जो वॉच टाइम होता है हमारे वीडियो जो लोग वॉच करते हैं, जितना टाइम देते हैं उतने से ही पता चलता है। तो मैं एक सबसे पहले पॉइंट वाइज बात करूंगा। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देते हो रेगुलर, ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, समय है, तो आप प्रयास करिए स्मार्ट वर्क करने की। हार्ड वर्क मतलब तरह तरह के आप टॉपिक तो ढूंढते ही रहते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क तो करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हार्ड वर्क करना ही होगा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है। तो आपको चाहिए दोस्तों, जैसे अगर मान लीजिए आप दिन में 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो अगर अपलोड कर पा रहे हो, जितना अधिक वीडियो अपलोड कर पा रहे हो उतना करिए, ठीक है। ये नहीं कोई लिमिट रखिए हम एक ही करेंगे, दो ही करेंगे, क्योंकि सब लोग को पता है जितनी वीडियो अधिक रहेंगे ना उतना वाच टाइम आपका जल्दी से यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। ये मेरे द्वारा देखिए पहली सजेशन है दोस्तों, जरूर आप फॉलो करिएगा कि आपके पास मान लीजिए टाइम मिला दिन में 2 वीडियो देने का, 3 वीडियो जितना दे पाए, ठीक है, जरूर दीजिए, ठीक है। आइए अगला स्टेप जानते हैं। अगला स्टेप दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब आप यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हो ना तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहली बात हमारा थंबनेल है, ठीक है। तो थंबनेल में आपको क्या करना है, ध्यान देना होगा थंबनेल में। जैसे हम नए नए लोग जब होते हैं यूट्यूब पे, हम ही करते थे, आप भी करते हैं, सब लोग ऐसे करते हैं, तो जब नए नए लोग होते हैं ना तो क्या करते हैं, बहुत सारी बातें लिखते हैं। मान लीजिए अगर हमको व्हाट्सएप के जो लास्ट सीन हाइड करना है तो हम व्हाट्सएप मतलब अगर वीडियो बना रहे हैं तो थंबनेल से क्या लिख देते हैं, हेलो दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे कि कैसे हम अपने व्हाट्सएप का जो लास्ट सीन है उसको छुपा के अपने दोस्तों को पता ना चले इस तरह से करें। मतलब ऐसे लंबे चौड़ा पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेकिन वो भद्दा लगता है, गंदा लगता है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास समय कहाँ है, बहुत कम समय है, बस एक नज़र देखें उसी पर वीडियो प्ले कर लिए। तो आपको क्या लिखना चाहिए, बस इतना ही लिखना चाहिए उस पर कि व्हाट्सएप लास्ट सीन हिडन ट्रिक, कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव लिखिए कि एक लाइन देखें तुरंत ही वीडियो को प्ले कर लें, किसको इतना टाइम है कि पूरा पढ़े, और थंबनेल भी गंदा लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करिए, थोड़ा बहुत लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो सेकेंड बात हमारी आती है टाइटल लिखने की, तो टाइटल प्रयास करिए मतलब इंग्लिश में लिखने की, नहीं इंग्लिश में तो आपको पता है हिंदी में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइटल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइटल अच्छे से लिखिए। अगली बात आती है डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो हम टाइटल में लिखे हैं सेम और डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, जरूर जो आपका टाइटल है डिस्क्रिप्शन में जरूर पेस्ट करें, जैसे मैं इस वीडियो में किया हूँ, ठीक है। और एक ट्रिक आप लोगों को और बताना चाहूँगा जो पर्सनल अनुभव किया गया है कि वहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने टाइटल तो लिख ही दिया, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के बारे में, वीडियो के बारे में भी लिख लीजिए। उसके नीचे आपको क्या करना होगा, एक ऑप्शन देना चाहिए आपको, जैसे मैंने वीडियो में दिया योर क्यूरीज, ठीक है, योर क्यूरीज लिख के, शायद हवा चल रहा थोड़ा डिस्टर्ब होंगे नया जा रहे हुए, लेकिन उसमें आपको बताना चाहूँगा, आप तो ध्यान से सुनेगा, योर क्यूरीज डाल के नीचे कुछ आपको टैग देना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इस वीडियो में टैग दिया हूँ ना, इस तरह से वहाँ पे योर क्यूरीज लिख के 5-7-8 टैग इस तरह से देना चाहिए, इसका बेनिफिट मिलता है यूट्यूब सर्चिंग में, जिससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका टैग ही पर से यूट्यूब फॉलो करता है, डिस्क्रिप्शन को भी देखता है, ठीक है, जरूर उतना दीजिएगा। उसके बाद हमारी बात रही टैग की, तो टैग तो हमारा जितना हो सके 7-8 टैग जो रिलेटेड टैग है, अच्छे टैग हैं, उन टैग को लगाइए, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन वाली मैंने बात कही ना, जरूर इसको फॉलो करिएगा, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, मैं अपने हर वीडियो में फॉलो करता हूँ, आप भी करिएगा। तो उसके बाद अगली जो हमारी बात आती है टॉपिक की, तो टॉपिक दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि हमको ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो देना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है देनी चाहिए, लेकिन दोस्तों अधिक से अधिक आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी वीडियो सर्चिंग में अधिक आ रही हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस पर अधिक से अधिक वीडियो को बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इससे पहले लॉकडाउन चल रहा था
तो लॉकडाउन की तरह तरह की वीडियो। इसी बीच में आप लोगों ने देखा होगा अभी टिकटॉक भी यूट्यूब चल रहा था जो ट्रेंडिंग टॉपिक था, बहुत सारे लोगों ने वीडियो इस पर दिया, वायरल हो गया। मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि इससे पहले उज्ज्वला योजना की जो स्कीम आई थी 3 सिलेंडर फ्री दिए जाते थे, मैंने इस पर वीडियो बनाया, ट्रेंडिंग टॉपिक था, वीडियो लगभग 2 लाख तक पहुँच गई है। इस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक को ढूंढते रहिए और प्रयास करिए कि कोई दे ना पाए उससे पहले हम ही दे दें, ठीक है, ताकि वायरल होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को वायरल करा सकते हो ज़्यादा जल्दी से जल्दी वाच टाइम और यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर कवर कर पाओगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह से रेगुलरली मेहनत करते हो, ईमानदारी के साथ करते हो ना, तो ज़रूर दोस्तों अगर यहाँ पे आप रेगुलरली इसी तरह से मेहनत करते हो तो आपका चैनल 1 महीने के 5 ही दिन 10 ही दिन आपके लक के ऊपर है मोनेटाइज हो सकता है, वाच टाइम कवर कर सकते हो। और इतना अगर आप हार्डवर्क करते हो ना, ज़रूर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बहुत ही कम ही समय में हो जाएगा। तो इतना कुछ फॉलो करिए और उसके बाद आपका मेरा यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग का जल्दी जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा। मेरे द्वारा दी गई कुछ अनुभव कुछ जानकारियाँ थी, जैसे कुछ हमारे दोस्त वगैरह लोग भी हैं जो ऐसा मैंने किया और उन लोग फॉलो किए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉलो करिएगा और ज़रूर यहाँ पे आपका कोई ना कोई वीडियो वायरल होगा, जल्दी जल्दी वाच टाइम वगैरह कवर कर पाएंगे। तो उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।